दुर्ग के वार्ड 4 गया नगर में इन दिनों भीषण गर्मी में वार्डवासी पीने के पानी को तरस रहे हैं। वहीं दुर्ग निगम भी इनकी परेशानी को दरकिनार कर कुछ टैंकर भेज लोगों की परेशानी को अनदेखी कर रहा है। दुर्ग शहर में इन दिनों कई वार्डों में लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। वहीं दुर्ग के वार्ड 4 गया नगर में लगभग 10 से 12 हजार की आबादी वाले क्षेत्र में विगत 15 दिनों से लोग पानी की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। बावजूद इसके दुर्ग नगर निगम द्वारा सिर्फ कुछ टैंकर वार्ड में भेज अपनी खाना पूर्ति कर रहा है। जिस तरह से शहर में विकास कार्य की गाथा निगम प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार कर झूठी वाहवाही बटोर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के वार्डवासी इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है, गया नगर में लगातार पानी की संकट है। पिछले 2 सालों से हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बघेरा से यहाँ पानी टैंकी बहुत अंदर से पहुँचता है पानी, और इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर, और अगर लाइन की बात करें तो 150 किलोमीटर का पूरी लाइन बिछा हुआ है, और अंतिम क्षण तक पानी पहुँचते पहुँचते पानी का धार बहुत पतला हो जाता है। 15 से 17 दिन ऐसा हो गया कि कई घरों के नलों में पानी नहीं आ रहा है, बूंद भर पानी नहीं आ रहा है। कुछ घरों में आ रहा है तो कई घरों में पानी ही नहीं आ रहा है। लगातार परेशान हैं लोग, पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इस विषय को लेकर हम लोगों ने लगातार आयुक्त को, उच्च स्तर के अधिकारियों को, महापौर सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन लगता है उन लोगों के कानों में जू नहीं रंग रहे। ऐसा लगता है उन लोग भेदभाव कर रहे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात यह है कि गया नगर से 50 मीटर दूरी पर अमृत मिशन योजना के तहत लगभग 10 लाख लीटर से ऊंचे क्षमता वाली पानी टंकी बनी हुई है, और इस पानी टंकी की क्षमता इतना है कि ये 2-3 वार्ड को आराम से पानी दे सकते हैं। और अभी उसमें आधी टंकी पानी भरने के बाद भी लोग घर से पानी बाहर फेंक रहे हैं। ये इस मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि दूसरे तरफ सड़क की उस तरफ पानी फेंका जा रहा है, और इस तरफ बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। लेकिन दुर्भावनावश इस जो लाइन को जोड़ना था, पिछले साल भी इस मुद्दे को लेकर बहुत आंदोलन हुआ था। आंदोलन होने के बाद माननीय जिलाधीश महोदय, विधायक महोदय, महापौर महोदय और निगम के सारे उच्च अधिकारी आए, लगातार 1 महीने तक वाच किया, और अंत में ये पाए कि बघेरा टंकी बहुत दूर होता है और उसको यहाँ से पानी सप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए गया नगर को गिरधारी नगर टंकी से जोड़ दिया जाए। बकायदा नगर निगम के कर्मचारी आए, अधिकारी आए, अमृत मिशन के पूरे अधिकारी आए और काम भी शुरू कर दिए थे, और अचानक दबाव में, कांग्रेस नेता के दबाव में, जो उस वार्ड से प्रतिनिधित्व करते हैं उसके दबाव में पूरे अधिकारी कर्मचारियों को दबावपूर्वक वापस बुलाया गया। उसका नतीजा ये हो कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। कांग्रेस के राज में विधायक अरुण बोरा जी, महापौर कांग्रेस के हैं, इन लोग किस प्रकार से भेदभाव करते हैं। ये चौक गया नगर भाजपा का वार्ड है और दूसरी तरफ कांग्रेस का वार्ड, ये भेदभाव इन लोग करते हैं, जबकि भाजपा के कार्यकाल में कभी ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। जो टंकी बनी वो भाजपा शासन के कार्यकाल में बना, वो भी कांग्रेस के वार्ड में बना। इस तरह से ये पूरी भेदभावपूर्ण रवैया, जिससे दुर्ग गया नगर की जनता और ये पूरी शहर की समस्या है। इस मुद्दों को लेकर अब सब ने मन बना लिया है कि 24 तारीख को हम सब हल्ला बोल करेंगे। बहुत ज़्यादा ही समस्या है यहाँ, ये लगभग यहाँ 15 से 17 दिन हो गया है कि पानी ऐसा हो गया कि अमोल हो गया है। और जो निगम के पास जो टैंकर है वो 50% टैंकर फूटा हुआ है, वहाँ से जो टैंकर निकल के आता है पूरा पैक आता है, लेकिन मोहल्ले तक पहुँचते पहुँचते 70% पानी निकल चुका रहता है, और जो बचता है 25% पानी तो ऐसे बहा जाता है, और 10% पानी को आदमी पब्लिक भरता है, उसमें भी क्या होगा। और यहाँ गिल्हाई नगर में जो नया टंकी जो बना है वो है अमृत मिशन के तहत में, उसमें से अगर हमको ये मांग है कि उस पर जोड़ दीजिए, और हमारा जो पानी टंकी है जो बघेरा से यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से पानी आता है, इसीलिए और पतला हो गया पानी का धार। ये गर्मी में पतला हो गया तो क्या आप समझो, आने वाले समय और इससे भी ज़्यादा संकट हो जाएगा। पानी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त समस्या है कि आप यहाँ आके देखो, एक टैंकर पानी देता है 4000 आदमी के लिए, 4000 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी एक व्यक्ति को मिल रहा है समझो, तो इस हिसाब से आप अपना अनुमान लगाओ कि पानी क्या है। हम तो ये सोचते हैं कि आने वाले समय में, अरे 2-4 दिन अगर ये समस्या दूर नहीं होता है तो निगम का धरना पूरा मोहल्लेवासी उसका निगम में महापौर के पास धरना दे के बैठ जाएंगे कि भाई आप हमारा निदान करो, तभी हम शांत बैठेंगे। नान नान नोनी बाबू छोड़ के हमन कहाँ पानी भरे पर जाबो, यहाँ पानी मिला ही नहीं एक बूंद है, गली गली भटका था ना मन एक बूंद पानी भर, कहाँ जाए ना, बोरिंग नहीं है, बोर नहीं है, नन नहीं है, कहाँ जाबो साहब, सुना ही नहीं है, 2 बेर हो गया आवाज उठा, बस सुना ही नहीं, तो कतेक ला बोलबो, नहीं भेजा भेज देते एक ठन दूठा लग भेज देते, डाने डहन आवे नहीं करे पानी टैंकर, तो का करन साहब ले बताती ही हाँ, लड़का मन धर के ले गन पानी नाने पर 2 दिन धरे रहन, एक तो खोरी लंगड़ी मनखे जांगर चला ही नहीं, तो कैसे कटर बोले बता।
इसी कड़ी में भाजपा के द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों की परेशानी को लेकर भाजपा पार्षदों द्वारा वार्ड वासियों के साथ आगामी 24 मई को नगर निगम के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर अपना आक्रोश जताने रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड वासियों ने शहर विधायक महापौर से लेकर पूरा निगम प्रशासन मुक दर्शक बन देख रहने का आरोप लगाया। हो गया है पानी के लिए एकदम परेशान हो गए हैं, ना बोर में पानी मिल रहा है, ना टैंकर आ रहे हैं, और लोगों ने एकदम पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कहाँ जाए ऐसे लग रहा है पानी के नाम से। और पानी का समस्या का हल करो भाई, आप लोग इतना गर्मी में लोगन का क्या करेंगे पानी के, और पानी बिना जीवन नहीं चलेगा, पानी कहाँ से लाएंगे इतना गर्मी में। नल में पानी नहीं आ रहा है और टैंकर भेज देंगे, एक टैंकर भेज देंगे, उसमें क्या होगा बताओ आप। पानी के लिए किसके साथ में लड़ाई होंगी, बहुत पानी की हम बहुत समस्या, पानी मिल भी नहीं रही है, और ऊपर से ना टैंकर के लिए बोलो तो पार्षद के साथ लड़ाई हो जाती है। 15 दिन हो गया इसमें पानी के लिए परेशानी, एक दिन बूंद पानी नहीं आते नल में, एकदम एक दिन नहीं आते, 15 दिन हो गए बोर से ला रहे हैं, नहीं तो यदि आप टैंकर भेजे टैंकर से ला है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।